हेलो जी, मैं हूँ तस्खीर। इस वीडियो के अंदर मैं रिएक्ट करने वाला हूँ, क्या पाकिस्तान में इंडियन प्रोडक्ट्स मिलते होंगे? ये कहीं ना कहीं एक सवाल दिमाग में है। जबकि हालात ठीक नहीं हैं दो कंट्रीज़ के बीच में, तो ये प्रोडक्ट यहाँ से वहाँ जाते होंगे, यहाँ के वहाँ हैं, तो ऐसा सुना है मैंने। एक टाइटल भी देखा है कि इंडियन प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान, कुछ कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे जो वहाँ पर यूज़ होते हैं इंडियन प्रोडक्ट्स। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। ओके, ये एक शॉप है जहाँ जगह कौन सी है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, चाला केम छो महेश भाई, कैसे बजरंग बली, कैसे आप? तो ठीक है। अच्छा भाई, अक्सर आप लोग पूछते हैं कि यार इंडियन प्रोडक्ट्स वगैरह मिलते हैं कि नहीं मिलते, तो आज एक हम शॉप पे हैं और एरिया पीछे आपको ये दिखा सकूँ। कौन सा एरिया ये कहते हैं इसको? निगार सिनेमा पान मंडी कहलाता है। निगार सिनेमा पान मंडी का जो ये एरिया है। और भाई का नाम क्या है बॉस? जावेद अभी भाई। और शॉप का नाम क्या है आपकी? मामा जनरल स्टोर। और इनके पास जो है इंडियन प्रोडक्ट्स होती हैं काफ़ी। वैसे तो भाई जाहिर है रश का टाइम है इस वक्त, लेकिन इन्होंने जो है थैंक यू सो मच कि इन्होंने इजाज़त दी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? सब होता है, तेल, शैम्पू, क्रीम, साबुन वगैरह, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, माजून वगैरह होते हैं इंडियन देसी। ये फेयर एंड लवली होती है इंडिया की, मोनिसन बाम होता है, टाइगर बाम वगैरह, वाटिका के प्रोडक्ट्स होते हैं, तेल वगैरह। चीज़ें हमें दिखा दें जी, थोड़ा कुछ बता देता हूँ। ये फॉग का बॉडी स्प्रे है, ठीक है? ये फॉग का बोले फॉग का बॉडी स्प्रे है, ये जो है मोनिसन बाम होता है इंडिया का, पहले कुछ और, ये टाइगर बाम है, ठीक है, या आयोडेक्स बाम है, ठीक है। अब यहाँ पे कलर वगैरह गोदरेज के लगे हैं जी। ये जंडू बाम हो गए, ये जंडू बाम है, ठीक है ना। जंडू बाम, ये मेहंदियाँ हैं, ये गोदरेज गोदरेज के कलर वगैरह हैं, डाई वगैरह हैं, ठीक है जी जी जी। और उसके अलावा ये जो है देखें, ये तंबाकू भी मिल जाते हैं, और ये सुरमा है, रत्ना, ये रत्ना आ गया, इंडियन प्रोडक्ट्स हैं भाई। ये रत्ना भी है, ठीक है, रत्ना ब्रांड क्रीम वगैरह है सामने, रजनीगंधा, ये पान मसाला, रजनीगंधा रखा है, ये पान मसाला, रजनीगंधा भी भाई यहाँ पे मिलता है। सच में ये पाकिस्तान है, यकीन नहीं हो रहा। और इसके अलावा पीछे भी काफी जो है चीजें हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स हैं। और वो उस तरफ भी दिखा दें, यहाँ पे शैम्पू वगैरह जो है ना, जेल वगैरह, तेल वगैरह, ये यहाँ पे नीचे लगे हुए हैं, साबुन भी है इधर, डाइजेस्टिव की चीज़ें होती हैं, चूरन वगैरह। अरे ऊपर क्या चीज़ पड़ी है ये देखिए, वो पेट साफ चूरन पड़ा हुआ है, एक मिनट, पेट सफा हर रोग दफा, इसका ये आता है कि डाइजेस्टिव के लिए होता है, सीने में जलन, तेजाबियत वगैरह, ये पेट साफ नाम है, पेट साफ नहीं, पेट सफा डिविजिया का, हाँ पेट साफ लिखा हुआ है उसमें हिंदी में। और इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें और भी भाई के पास, और दर्दों के तेल भी होते हैं, शैम्पू वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, क्रीम वगैरह हो गई, पापड़ भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इंडियन पापड़ हैं। तो ये साई बाबा की जो है अगरबत्ती भी, साई बाबा अगरबत्ती, ओके। वाह यार, काफ़ी कॉमन प्रोडक्ट्स जो यहाँ चलते हैं वो है यहाँ पे मौजूद। अच्छा, एक और चीज़ जो है आपको बताता चलो, भाई जो है गुजराती हैं, तो थोड़ा सा गुजराती में कुछ बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम, केम सो तुम्हें बता, ठीक ठाक सो, बीजू आई बदू, जैसे ना इंडियन सामान मरे से, तेल वगैरह, क्रीम, शैम्पू, बोरो प्लस नहीं भी क्रीम मर से, एंटीसेप्टिक, ठीक से बताऊँ। असल में आपके जैसे हम भाई को जो है थोड़ी तकलीफ दे रहे हैं, ये जो है बोरो प्लस है, ये किस चीज़ के लिए मिलता है वो? हाँ, एंटीसेप्टिक क्रीम से, आज ये जली जाए, कटी जाए, दाना था है, बदे सर्दियों में स्किन फटती है, बदी चीज़ों से, भूसी भी छे ना, स्किन ना, साबुन भी छे ने, नीम ना, बदा यार इंडिया। तो बाकी ये फ्रेंड्स देख सकते हैं काफ़ी प्रोडक्ट्स पड़ी हुए हैं अंदर, रसवा है, रमाना है, अब काफ़ी, तो मैं भी नहीं जानता इतना, लेकिन आप लोग खुद पहचानते होंगे प्रोडक्ट्स, तो मैं इसलिए अंदर आ गया, मैंने कहा ये देखूं। और डर्मिकूल, उसके अलावा ये नवरत्न, और बोरो प्लस, और वेजलिन वगैरह, और दूसरी चीज़ें बहुत कॉमन प्रोडक्ट्स। उसके अलावा ये कायम चूरन भी एक मेरे ख्याल में काफ़ी फेमस है,
और इच गार्ड है, रिंग गार्ड, और उसके अलावा फेयर एंड हैंडसम है, ये सारी काफी प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रही होंगी। वीआईपी हेयर शैम्पू है, तो इसके अलावा गार्नियर है, आयोडेक्स फास्ट रिलीफ, मूव नजर आ रहा होगा, फेरन लवली है, संडू का कुछ है, ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तो काफी इस तरह के और आइटम्स हैं मुझे सच, और आजकल शायद जो है इतने आइटम अच्छा है, ये भी आप देख सकते हैं, पॉन्ड्स वगैरह सेट बेट, और ये देख सकते हैं एमानी, और ये आप देख सकते हैं। आजकल क्या पोजीशन, अभी तो इतना नहीं आ रहा होगा माल वाल छोड़कर, आता है लेकिन अराइवल से आता है, ठीक है ना, एक दो मुमाली घूम के आ जाता है पैसेंजर के थ्रू जो है ना दूसरी जगह। हाँ, और अच्छा, रेट्स वगैरह भी मतलब मुनासिब है क्या है रेट? हाँ, रेट मुनासिब है, लेकिन अभी जो अराइवल से आ रहा है उसमें थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाती है। जी अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया ये काम इस फील्ड में? भाईजान अल्लाह की मेहरबानी से जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ वो तीसरी ना जो है नस्ल है, 36 से 37 साल हो गए साल मेरे दादा मरहूम के ज़माने से हमारा काम है। अच्छा, और अगर गुजरात में आपके बड़ों की बात की जाए तो कहीं से मतलब रिश्तेदार या ताल्लुक? जी जी, अहमदाबाद में है, गोधरा गुजरात अच्छा। में है, यानी सूरत जो कहलाता है, ठीक है ना, अहमदाबाद में, बड़ोडा हाँ। में भी हैं, ठीक है, मुंबई में कुछ है हमारे रिलेटिव्स, लेकिन जो हमारी अक्सरियत है ना वो जो है गोधरा में, गोधरा। ये हम बस ये गोधरा के गुजराती हैं, ठीक है ना, पीछे से जो है हमारा जो आबाओ अजदाद जो है वहाँ से थे, ठीक है ना, फिर यहाँ जो माइग्रेट करके आए, फिर जो नस्ल दर नस्ल बढ़ी वो यहाँ आके मेहनत की। जी शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, मैसूर संदल सोप है, ये भी मेरे ख्याल में इंडियन ही है, और इस तरह काफ़ी चीज़ें हैं। ये मार्गो, ये क्या चीज़ है बॉस? ये साबुन है, ये इंडिया का ही है, इंडिया का। और सिंथॉल आपको नज़र आ रहा हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके चीज़ें दिखा दूँ, हम ये पूरी वीडियो इसी पे ही रखेंगे, पहले हमने सोचा था कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे, वाइको हाजमोला तो होता ही है बिल्कुल, वो तो काफ़ी जगह नज़र आता रहता है, हाजमोला भी हो गया, और स्ट्रेस कॉम कैप्सूल्स हैं, और भी काफी चीजें। ये नाम कौन सा है बॉस? ये हिंदी में लिखा हुआ है, पता नहीं, ये हवा बन आदे है, ये जो है हाजमे के लिए होता है ये, ठीक है ना, हाजमा करता है, मतली वगैरह खाने के बाद हो जाता है। और ये जो दूसरा ये है, दिल ये खुश, पान की चटनी है, मीठे पान में भी डलती है और टोबैको में भी डलती है, दिल खुश है ना गोपाल की। अच्छा, तो बाकी भी और काफी प्रोडक्ट्स हैं, तो आप बताइएगा भाई कैसी लगी वीडियो। और ये पान मंडी का एरिया है यहाँ पे काफ़ी, हाँ, ये निगार सिनेमा एक बड़ी ओल्डेस्ट सिनेमा है जो कि अब तो बिल्कुल जो है तबाह हाल हो चुका है, कराची का एक पुराना एरिया है, और इसके अलावा कराची में यहाँ, हाँ बोर्ड भी सामने, बिल्डिंग भी आप देख सकते हैं, ये आप बोर्ड देख सकते हैं शॉप का, उर्दू में लिखा हुआ मामा जनरल स्टोर। तो अगर किसी भाई को प्रोडक्ट्स यहाँ से कुछ भी लेना हो तो यहाँ से आप ले सकते हैं इंडियन प्रोडक्ट्स, और जावेद भाई से आप जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो आपको हर अच्छी चीज़ मिलेगी, और प्योर गारंटी है कि ये इंडियन की, बिल्कुल जो चीज़ जैसी होती है इंशाल्लाह वैसे बता के दी जाती है, ठीक है ना, और 95% मेरे पास काम ही इंडियन प्रोडक्ट्स का है, और जो भी चीज़ जहाँ की होगी वो बता के दी जाती है, ठीक है। ये पापड़ जो है ये लज्जत पापड़ है, ये उड़द का होता है और बड़े टेस्टी पापड़ होते हैं, बहुत बढ़िया जी जी जी, बड़े टेस्टी होते हैं, इसको आप सेक के खाएं मज़ा आता है। ये पड़ेगा 430 रुपये का, 200 ग्राम का पापड़ है, तकरीबन इसमें 20-22 जैसे होते हैं, ग्राम का हिसाब होता है, करके खाओ इसको बड़ा मज़ा। एक मुझे फॉग दे दे, बल्कि यही वाला जो है, जी जी जी, कोई बात नहीं, अच्छी है इसकी फ्रेगनेंस। तो फ्रेंड एक ये भाई से फॉग हम ले लेते हैं, बाकी तो महेश भाई भी यहाँ से इनसे जो है चीज़ें लेते रहते हैं। महेश भाई, वो मैं पेयर्स ज़्यादा लेता था पर पेयर्स आना ही बंद हो गया था, तो अभी भी इन्होंने यही कहा कि कुछ टाइम में वो आ जाएगा, और मैं तो यही कहूँगा कि वो कहूँगा जल्दी जल्दी ये रास्ते खुल जाए तो इनका भी काम चले और हमारा भी काम हो जाए, क्योंकि पेयर्स मैं इंडियन यूज़ करता हूँ। तो भैया उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सारे इंडियन प्रोडक्ट्स हैं यार, भाई मज़ा तो बहुत आया, अगर ये सच में पाकिस्तान का ही वीडियो है यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। वैसे पाकिस्तान का है, लास्ट में इन्होंने बताया कुछ जगह का नाम बताया था एरिया का, फिर बाद में बताया इन्होंने लास्ट में कि कराची का कोई पुराना एरिया है, वहाँ पर ऐसी शॉप है, तो डायरेक्टली इंडिया टू पाकिस्तान नहीं जाता है,
कहीं और कंट्रीज से घूमकर पाकिस्तान प्रोडक्ट्स जाते हैं, इसलिए वो महंगे भी होते हैं क्योंकि उनमें ड्यूटीज़ लग जाती हैं, वो अलग अलग देश की जाने की। घूम के आएगा, आपके पास डायरेक्ट आएगा तो अलग बात होगी, उसके पैसे कम होंगे, लेकिन जब घूम के आएगा तो उसको जाहिर सी बातें महंगा होना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा अगर आपको बजट निकालना है तो। लेकिन लिज्जत पापड़, फॉग एंड कॉमन क्रीम्स जो हैं, पेट सफ़ा चूरन और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें जो बहुत कॉमन है हमारे यहाँ यार, यहाँ पर किसी शॉप पर जाओ तो बहुत सारी, ऐसे बाहर से भी निकलते हुए जाएंगे तो यहाँ तो सब कॉमन ही कॉमन है, ये सारी चीज़ें मिलती रहती है। लेकिन मुझे पाकिस्तान में देखकर बड़ा शौक हो रहा है, ऐसा लग रहा है यार मैं इंडियन शॉप देख रहा हूँ कोई, जहाँ पर इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया के रखे हुए हैं यार। थोड़ा शॉकिंग था, यकीन करना मुश्किल था, लेकिन हाँ मुझे यकीन आया। वहाँ कुछ हिंदूज़ भी हैं तो एक हिंदू भी थे इनके साथ वीडियो में, तो एक अलग सा ही फील होता है कि यार यहाँ के प्रोडक्ट्स वहाँ पर मिलते हैं, बड़ा यार अजीब सी बात है, वो भी इतने छोटे मोटे। रजनीगंधा जो एक पान मसाला है यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाया जाता है, थोड़ा महंगा मिलता है बाकियों से, तो उसके अंदर तंबाकू वम्बाकू मिलाकर खाते हैं लोग, मैंने देखा है, तो कॉमन है। इसके पाउच भी मिलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो बहुत कॉमन है यहाँ पर और मैंने इस शॉप पर देखी जो पाकिस्तान की थी। क्या कभी आपने इंडियन प्रोडक्ट यूज़ किया है, कौन सा किया है वो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।